नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हमारे पास आई है अपाची गाड़ी, RTR 200 4V गाड़ी आई है। तो दोस्तों, इसका सेल्फ स्टार्ट और सिग्नल लाइट का प्रॉब्लम है जो नहीं हो रहा है, तो हम इस वीडियो में के माध्यम से आपको दिखाएंगे। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। तो हम अभी काम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि ये पूरा वायरिंग इधर से चितराया हुआ है, हम इसी में फॉल्ट है दोस्तों। तो इसको देखेंगे, इधर है किधर है दोस्तों, अभी हम बताएंगे इसको। तो चेक करते हैं दोस्तों अभी इसमें। तो दोस्तों देख रहे हैं जैसे कि हमारा फॉल्ट मिल चुका है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा वायर टूटा हुआ है जिसके वजह से सिग्नल लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। इधर ये टूटा हुआ है दोस्तों, इधर अभी मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोस्तों, और सेल्फ स्टार्ट का भी दिक्कत है, तो उसको भी सही करके आपको बताएंगे दोस्तों। अभी हम ये वायर इसमें जोड़ेंगे और बताएंगे जल रहा है कि नहीं। अभी हमने स्विच भी खोल के चेक किया, स्विच में भी प्रॉब्लम नहीं था, एकदम बराबर था। इसके लिए हम स्विच सेट कर दिए। अभी इसको हम वायर जोड़ेंगे और बताएंगे। जैसे कि दोस्तों ये वायर छोटा पड़ रहा था, तो हमने वायर दूसरा जोड़ दिया इसमें। अभी जोड़ के इसमें चालू करेंगे। अभी आपको बताने के लिए इसे फटाफट जोड़ रहा हूँ, फिर उसके बाद टेप मार के। देखिए दोस्तों, वायर ज्वाइंट हो चुका है। अभी मैं आपको सिग्नल लाइट चालू करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा सिग्नल लाइट चालू हो गया। दोस्तों हमारा वायर ज्वाइंट हो चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये भी कटा था, इसको भी कर दिया। अभी देखिए दोस्तों, दो तीन वायर कटा था, ये भी कटा था, इसको भी ज्वाइंट कर लिए दोस्तों। अभी इस पर टेप मार के हम आपको बता रहे हैं दोस्तों कि जैसे इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि वायरिंग पूरा हटाया रहता है, तो इसको सीधा करके ही लगाएँ, क्योंकि ऐसा घुमा रहता है तो वायरिंग मुड़ मुड़ के टूट जाता है। तो दोस्तों अपने फॉल्ट मालूम नहीं पड़ता है कहाँ से, तो इसको हमने सीधा कर लिया है। अभी हम इस पर टेप मारेंगे और अच्छे से फिटिंग करेंगे दोस्तों की जैसे देख रहे हैं, हमने टेप मार दिया इस पर अच्छे तरह से। अभी हम इसको फिटिंग करेंगे सर्किट का, सर्किट एक एक दूसरे में कोसेंगे। और दोस्तों जैसे कि हमारा सेल्फ स्टार्ट का भी प्रॉब्लम मिल गया है। देखिए दोस्तों कि जैसे कि इस वायर में कितना कार्बन लग चुका है, तो इसको भी हम ठीक करेंगे। बने रहिए, आप नए हो इस वीडियो में तो देखिए और आपको जानकारी भी मिलेगी। अगर आपके पास अपाची गाड़ी है तो भी आपको मिलेगी, तो आप भी कर सकते हैं ऐसा दोस्तों। देख सकते हो दोस्तों, ये सर्किट है, इसे बेहद आसान होता है खोसना। और ये भी देख लीजिए, ये सब एक में अटैच होएगा, फिर सबका कनेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी हमारा सर्किट पूरा लग चुका है। जैसा कि अब बताया था, स्टार्टर का कार्बन जो जम गया है सर्किट में, उसको भी ठीक करेंगे। तो बने रहिए, देखिए दोस्तों कितना कार्बन जमा हुआ है। इसकी वजह से हमारा सेल्फ छोड़ पकड़ कर रहा था। इसको भी हम बनाएंगे और दिखाएंगे आपको कैसे करना है दोस्तों। ये हमारा इग्निशन स्विच का वायर है, जो चाबी ऑन करने पे सबको पावर भेज देता है यहाँ से दोस्तों। अभी इसका कनेक्शन नहीं किए हैं, क्योंकि अभी इसमें उल्टा सीधा हो जाएगा तो वायरिंग भी जल सकती है। तो इसके अभी पूरा वायर चेक करके ही लगाएंगे इसको। तो दोस्तों देखिए इसमें कितना कार्बन बैठा हुआ है। तो दोस्तों हम इसको अभी सही करेंगे, इसको भी। अभी ये जो वायर दिख रहा है, इसके ये वायर सब में डाल के टाइट कर देंगे हम वायर। तो दोस्तों जो छोड़ पकड़ करता है वायर, वो सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम वायर छील कर ऐसा कर लिया है, और इसको काट काट के एक एक उसमें दोस्तों डाल देंगे। तो दोस्तों जैसा हमारा सर्किट ढीला रहता है, वो टाइट हो जाता है और सेल छोड़ पकड़ करना बंद कर देता है दोस्तों। हमारा एकदम गाड़ी बराबर चलने लगती है दोस्तों। देख रहे हैं जैसे कि हमारा सभी वायरिंग में वायर पड़ चुका है। अभी हम इसको लगा के टाइट कर देंगे दोस्तों, सर्किट लगा के। देखिए दोस्तों, हमारा वायर लग चुका है। अभी ये मजबूती से टाइट हो चुका है। अभी हम इग्निशन स्विच का वायर लगाएंगे दोस्तों। एक बात का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप गाड़ी का खोल रहे हैं, तो इग्निशन स्विच का वायर निकाल लीजिए, जिसके वजह से हमारा फ्यूज भी बच जाता है, वायरिंग शॉर्ट होने से भी बच जाती है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी ये बात है, जब पूरी तरह से वायरिंग चेक कर लें तभी इग्निशन स्विच का वायर लगाएँ दोस्तों।
अभी हमारा पूरा वायरिंग भी चेक कर लिया, सब सही है। अभी हम लगाते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हमारा सब चीज़ सेट हो चुका है। अभी हम चाबी ऑन करेंगे। देखिए दोस्तों, आ गया पावर। अभी हम सिग्नल लाइट चालू करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हमारा मीटर में भी सिग्नल जलने लगा। अभी इधर लेफ्ट साइड का भी जलाएंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, लेफ्ट साइड का भी जलने लगा सिग्नल। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस बल्ब को लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये बल्ब है नहीं दोस्तों, तो हम इसको रेड कलर बना देंगे। ये जो पार्किंग का बल्ब होता है होंडा का, तो दोस्तों हम इसी को लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास बल्ब है नहीं। अभी हम इसको रंग के आपको बताएंगे कैसे करते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस मार्कर की वजह से की मदद से हम रंग देंगे, इसको रेड कर देंगे और रेड जलने लगेगा बल्ब दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये रंगा चुका है बल्ब, अभी हमारा रेड हो गया। अभी रेड जलेगा नहीं तो दोस्तों अभी अच्छा जलेगा। तो देखिए दोस्तों, एक बल्ब और रंगने जा रहे हैं, क्योंकि दो बल्ब की हमको ज़रूरत है। इसके लिए हम धोई लाए और इसको हम रंग दिए हैं दोस्तों। अभी हम इसको लगा के जलाएँगे दोस्तों। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। जैसे कि दोस्तों सेल्फ का बोला था, सेल्फ भी हो गया है। अभी देखिए दोस्तों, आवाज़ सुनिए इसका। देखिए दोस्तों गाड़ी भी हमारा स्टार्ट हो चुका है सेल्फ से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।